بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अला व इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तन। एक लंबी हदीस है जिसका आखिरी हिस्सा मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, और चूंकि आज इंशाअल्लाह ताला हम फ़ेल मुज़ारे शुरू करने वाले हैं, तो इस हदीस में हम जो पीछे पढ़ चुके हैं फेल माजी और जुमला इस्मिया, उसके हवाले से दोनों चीज़ें यहाँ पर जमा हो गई हैं, वो इंशाल्लाह ताला आप उसकी पहचान करेंगे और फिर अल्लाह ताला की तौफीक से हम फेल मुजारे शुरू करेंगे। तो अल्फाज कुछ इस तरह हैं, अला व इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तन इज़ा सलाहत सलाहल जसदु कुल्लुहू व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहू अला वही अलकल्ब व इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तन। इन्ना आपका हरूफ मुशब्बा बिल फेल में से और जुमला इस्मिया के शुरू में दाखिल होता है और मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है, ये इसका काम है। तो जुमला इस्मिया ये पहला आपका कवर हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि अगर इन्ना को हटा दिया जाए तो आपका जुमला कहाँ से शुरू हो रहा है, जार मजरूर से। जार मजरूर से जुमला शुरू होता है तो आपको मुब्तदा वो मुअख्खर मिलता है। अब मुज़ग़तन जो है ये आप हालत नसब में देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये उसका मुब्तदा मुअख्खर है जिसको इन्ना ने हालत नसब दी। यानी असल में क्या था, फिल जसदी मुज़ग़तन, जिस्म में एक लोथड़ा है। इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तन, यकीनन जिस्म में एक लोथड़ा है। इज़ा सलाहत, अब ये देखें सलाहत, अब सलाहा सलाहा सलाहू सलाहत दुरुस्त होना, वाहिद मोनस गायब का सीख है और ये मोनस किस लिए इस्तेमाल हुआ है, मुज़ग़तन के लिए, क्योंकि वो मोनस है, लिहाजा अब जो ज़मीर लाई गई है उसके लिए वो मोनस की लाई गई है। और माजी का सीख है, और मैंने आपको बताया था कि माजी से पहले अगर इज़ा आ जाए तो हम माजी का तर्जुमा भी मुजारे में करते हैं। इज़ा सलाहत, जब वो दुरुस्त होता है, नहीं जब वो दुरुस्त हुआ, नॉर्मल तर्जुमा तो ये बनेगा, लेकिन जब माजी पर इज़ा दाखिल होता है तो आप उसका तर्जुमा मुजारे में करते हैं। इज़ा सलाहत, जब वो दुरुस्त होता है। सलाहल जसदु, अब सलाहा फेल आपका, अल जसद उसका फाइल, जब वो दुरुस्त होता है तो जिस्म दुरुस्त होता है, और फिर उस जिस्म की ताकीद के लिए कुल्लुहू यानी उसका पूरा का पूरा, यानी पूरा का पूरा जसद, पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त होता है, ठीक होता है। व इज़ा फसदत, फसदा फसदा फसदू फसदत, बिगड़ना, और जब वो बिगड़ता है, फसद अल जसदु कुल्लुहू, तो पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। अला सुन लो वही अल कल्ब, अब देखें वो हिया की ज़मीर फिर उस मुज़ग़तन की तरफ, कि वो लोथड़ा वो क्या है, वो अल कल्ब है। तो ये था हमारा माजी फेल माजी, फिर उसके साथ इज़ा का इस्तेमाल आपके सामने आ गया, और जुमला इस्मिया की भी हल्की सी मैंने आपको एक प्रैक्टिस ही करवा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फेल माजी मुकम्मल हो चुका है। आज इंशाअल्लाह ताला हम फेल मुजारे शुरू करेंगे। फेल मुजारे
आपको याद होना चाहिए कि हमने ज़माने के एतबार से जो फ़ेल की दो अकसाम की थी अरबी ज़ुबान में, ज़माने अरबी ज़ुबान में भी तीन ही हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, लेकिन उन तीन ज़मानों के लिए दो फ़ेल इस्तेमाल होते हैं, फ़ेल माजी और फ़ेल मुजारे। माजी ज़माना माजी को कवर करता है और फ़ेल मुजारे जो है ये हाल और मुस्तकबिल को कवर करता है। जिस तरह हमने फ़ेल माजी में फ़ेल माजी की गर्दान याद की थी, इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम फ़ेल मुजारे में भी फ़ेल मुजारे की गर्दान से आगाज़ करेंगे। ब्लैंक चार्ट आपके जहन में रहना चाहिए फ़ेल मुजारे का, वो बिल्कुल वही है जो ज़मायर के एतबार से हमने बनाया था, क्योंकि हमने ये बात की थी कि जो सीहों की तादाद होती है उसका इन्हिसार उस ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाली ज़मायर के मुताबिक होता है। तो 14 ज़मायर अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा 14 सीहे ही गर्दान के बनेंगे। इसमें आप देखेंगे कि नंबर हमारा वाहिद मुसन्ना जमा, और फिर थर्ड पर्सन में मुज़क्कर मौनस, सेकेंड पर्सन में मुज़क्कर मौनस और फर्स्ट पर्सन में मुज़क्कर मौनस। अब चूँकि मुजारे का ताल्लुक फ़ेल से है, और फ़ेल आपको याद होगा कि हमने तीन कलिमात के हवाले से उसको याद रखा था कि स्टैंडर्ड माना गया है फ़ा कलिमा को, ऐन कलिमा को और लाम कलिमा को, तीन हरूफ को स्टैंडर्ड मानकर बहुत सारे मादे आपने देखे थे फ़ेल माजी में। तो पहली बात तो ये जहन में रखें कि फ़ेल मुजारे में भी हर सीघे में आपको तीन हरूफ ज़रूर मिलेंगे इस स्टेज पे जिस पे आप हैं इस वक्त। तो वो फा ऐन लाम कलिमा मैं पहले हर जगह पर लिख लेता हूँ। मादे के तीन हरूफ मुजारे की गर्दान के हर सीघे में आपको मिलेंगे। फ़ेल मुजारे की पहचान के लिए चार अलामात हैं। फ़ेल मुजारे को आप अलामात के ज़रिए से पहचानेंगे। वो अलामात मुजारे कौन कौन सी हैं उनसे आपकी वाकफियत होनी चाहिए। अलामात मुजारे चार हैं। अलिफ, नून, या और ता। मैंने एक ख़ास तरतीब से आपके सामने लिखा है ताकि आप इसी तरतीब से इसको याद रखें। अलिफ, नून, या और ता, ये चार अलामाते मुजारे हैं। ये आपको फ़ेल मुजारे के शुरू में नज़र आएंगी। अब पहली बात, ये चार अलामात इन 14 सीहों में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होनी है, ठीक, इसकी तरफ अब हम तवज्जो करते हैं। तो पहली बात नोट करें कि आपकी जो ये अलिफ अलामत है पहली, ये आपको सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम के सीघे में नजर आएगी। इसका एक ही मकाम है। दूसरी अलामत नून, ये भी आपको फ़ेल मुजारे की गर्दान में सिर्फ एक सीघे में यानी जमा मुतकल्लिम के सीघे में नजर आएगी। तो पहला तो जहन आप क्लियर करें कि दो अलामात हमारी पूरी हो गई अलामात मुजारे में से, अलिफ और नून। अलिफ आपको मिला वाहिद मुतकल्लिम के सीघे में, और नून आपको अलामत मुजारे मिलेगी जमा मुतकल्लिम के सीघे में। अब दो अलामातें हमारी, इसमें से हमारी अलामत जो या है, आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि चार सीखों में इस्तेमाल होगी। चार सीखे गायब के सीखे, तीन मुजक्कर के, एक मोनस का, ऐसे ही है ना। यानी मुजक्कर के वाहिद, मुसन्ना और जमा के सीखों में आपको अलामत मुजारे या नजर आएगी, और मोनस की जमा के सीखे में अलामत मुजारे या नजर आएगी।
तो ये या चार जगह पर आपको फेल मुजारे की गिरदान में अलामत नजर आएगी। तीन अलामत कवर होगी, अलिफ नून या। सीखे कितने बचे आपके? आठ सीखे। आठ सीखों में आपको अलामत मुजारे ता नजर आएगी। ता आपकी अलामत आठ सीखों में होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अलामत मुजारे हमारी पूरी गर्दान में फिट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप, अलामत मुजारे पर हरकत। ठीक, तो जहाँ पर हम इस वक्त हैं वहाँ पर अलामत मुजारे में ज़बर हरकत आएगी। क्लियर? फा कलिमा जो है आपका, ये पूरी फेल मुजारे की गर्दान में सुकून वाला होता है, साकिन होता है। अब आप देख रहे हैं कि कुछ बन रहा है। आइन कलिमा, इसकी बड़ी अहमियत है, फेल माजी में बड़ी अहमियत थी इसकी। आपको याद होगा कि जो हमने माजी की तीन डाइज पढ़ी थी फेल मारूफ की, फ़ाला फ़ाइला फ़ाउला, उसमें फा और लाम कलिमा पर तो एक ही हरकत थी, लेकिन ऐन कलिमा की हरकत जो है वो तब्दील हुई थी। ऐन कलिमा पर ज़बर भी आई, ऐन कलिमा पर ज़ेर भी आई, ऐन कलिमा पर पेश भी आई। ठीक, तो मुजारे में भी ऐसा ही होगा कि जो ऐन कलिमा होगी उसकी हरकत चेंज होगी, कभी उस पर ज़बर आएगी, कभी उस पर ज़ेर आएगी, कभी उस पर पेश आएगी, लेकिन जब शुरू में एक मरतबा ज़बर आ गई तो पूरी गर्दान में ज़बर चलेगी, बिल्कुल इसी तरह माजी की तरह। ये नहीं होगा कि पहले ज़बर आ गई और बाद में आप अपनी मर्ज़ी से उसे पेश कर दें या ज़ेर कर दें। तो पहली प्रैक्टिस हम करेंगे ज़बर के साथ। अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि इन्हें इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम चूँकि आखिरी हर्फ को अमूमन सुकून के साथ ही पढ़ते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यफ़अल, जो पहला हमारा सीख है वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, इसमें लाम कलिमा पेश वाला होता है। हमारा सीगा तैयार हो गया यफ़अलु, यफ़अलु। उसके बाद मैं ख़ास तरतीब से आपको गर्दान ये याद कराऊंगा, माजी से वो तरीका मुख्तलिफ होगा, क्योंकि आप ख़ुद इस नतीजे पहुंचेंगे कि जिस तरीके से हमने माजी की गर्दान याद की थी, अगर मुजारे की गर्दान याद करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। इसको एक हम ख़ास अंदाज से याद करेंगे, और अब वो सीखे मुकम्मल भी मैं उसी तरतीब से आपके सामने रख रहा हूँ। यफ़अलु, ये जो आपका वाहिद मुअन्नस गायब का सीख है, तफ़अलु, नीचे को मैं आ रहा हूं, तफ़अलु, ये दोनों सीखे एक जैसे हो गए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत सारी एक जैसी चीज़ें हम पहचानते आए हैं, तो ये भी सीखे आप पहचान लेंगे, कहाँ वाहिद मुअन्नस गायब का सीखा इस्तेमाल हुआ है, कहाँ वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीखा इस्तेमाल हुआ है। यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, ये आप देख रहे हैं एक वजन पर आ रहे हैं। इस सीखे को छोड़ दें ज़रा, वाहिद मुतकल्लिम के सीखे पे आ जाए, अफ़अलु, जमा मुतकल्लिम के सीखे पे आ जाए, नफ़अलु, एक रिदम आपके सामने आ गया। कौन सा लफ्ज़ किस खाने में है इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक रिदम आप देखेंगे कि आपको महसूस हो रहा है। यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, ये बीच में गैप हल्का सा जो है ये कि एक खाना आपने छोड़ा है। 14 खाने बस आपने ध्यान में बनाने हैं कि कौन सा खाना किस जगह पर है और कौन सा खाना किस सीहे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, ये आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा। यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, मुसन्ना हम कैसे बनाते थे,
आपको पता है आखिरी हर्फ पर हम जबर देते थे, अलिफ का इजाफा करते थे और नून जेर नी का इजाफा कर दिया करते थे। यफल उसे बन गया आपका यफलानी। यही कायदा अलिफ और नून जेर नी बाकी तीन से हम अप्लाई कर दें। अभी एक रिदम के सीधे इकट्ठे हो गए, यफलानी तफलानी तफलानी तफलानी, तीन जगह पर आप देख रहे हैं तफलानी आपको मिल रहा है। वो एक सीगा दो जगह पर था, एक ही सीगा पहचान कर लेंगे तो समझ लें, जिस तरह गैर मुनसरिफ आप पहचान लिया करते थे तो वो उसकी एग्जांपल होगी, और मबनी भी आप पहचान सकते हैं। तो ये तीनों एक ही सीगे हैं, ये जहाँ इस्तेमाल होंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होंगे आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो दूसरा रिदम हमारा बन गया यफलानी तफलानी तफलानी तफलानी। पहली अलामत आपने यहाँ से बोलनी है, बाकी तीन जो हैं ता के साथ है। तो पहले इसको रिपीट कर लें, यफलू तफलू तफलू अफलू नफलू, यफलानी तफलानी तफलानी तफलानी। जमा हम कैसे बनाते थे, आखिरी हर्फ को पेश दी वाओ और नून जबर ना, यफलूना। थर्ड पर्सन मुजक्कर जमा, सेकंड पर्सन मुजक्कर की तरफ आ जाए, तफअलूना। ये ऊना ऊना की साउंड जो है आपको जमा मुजक्कर की आवाज ही मिलती है ना, इसमें भी आपको ऊना की साउंड कहाँ मिलती है, जमा मुजक्कर सालिम की साउंड थी। तो ये इससे भी आप याद रखेंगे कि ऊना की आवाज जो है ये आपकी जमा मुजक्कर की आवाज है। यफलूना तफलूना, कितने सीगे रह गए, तीन सीगे रह गए। या फिर एक मरतबा आपको मुझ पर एतमाद करना पड़ेगा, ये आपको वैसे याद करना। यफअलना तफअलना और तफअलीना, ये थोड़े से फ़र्क के साथ हैं लेकिन इंशाअल्लाह ताला बड़ी आसानी के साथ आपको ये किरदार अब याद हो जाएगी। अब जो मैंने आपसे बात कही थी कि अगर हम इसको उस तरीके से उस तर्ज पे याद करें जिस तरह माजी किरदार याद की थी कि फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतू फ़ालना, तो वो एक अपना रिदम था उसका। लेकिन मुजारे में देखें आप वो रिदम नहीं बन पाएगा। आप आते हैं यफ़लू यफ़लाने यफ़लूना, तफ़लू तफ़लाने यफ़लना, तफ़लू तफ़लाने तफ़लूना, तफ़लीना तफ़लाने तफ़लना, अफ़लू नफ़लू। तो कभी अलामत चेंज हो रही है, कभी वज़न चेंज हो रहा है, तरीका तो यही है गर्दान याद करने का। लेकिन चूंकि हम आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी रिवायात से हट के तरीका है, लेकिन हमने आसानी ढूंढनी है, जहां पर आसानी मिले वो हमें अवेल करनी चाहिए। तो अगर आप इस गर्दान को इस तरीके से याद कर लेंगे, सिर्फ सीहे जहन में रखते हुए कि जो सीहा आप बोल रहे हैं वो है कौन सा, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो अभी सादा गर्दाने हैं, जो जो आप आगे जाएंगे गर्दाने बढ़ेंगी तो उस वक्त आपको ये तरीका कर बहुत मुफीद जो है वो नजर आएगा। अब मैं आपके सामने इसको रखता हूँ, यफअलू तफअलू तफअलू अफअलू नफअलू। मुझे पता है 14 खाने मेरे कौन से हैं, मैं किस खाने की बात कर रहा हूँ, यफअलानी तफअलानी तफअलानी तफअलानी, यफअलूना यफअलना, साथ ही बोल दें, इस सीखे को साथ बोल दें ताकि या जो है आपकी अलामत वो आपको कन्फ्यूज़ ना करे। यफअलूना यफअलना तफअलूना तफअलना, और जो आपने वो छोड़ा था एंड पर उसको बोलें तफअलीना, क्योंकि वो सबसे मुनफरद सीगा है। पूरी गर्दान में सबसे मुनफरद सीगा तफअलीना, इसलिए आप सबसे आखिर में इसको बोलें। ये हमारी फिल्म मुजारे की गर्दान थी। आप इसको नंबर भी दे सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सीगा आपके पूरे। यफअलू तफअलू तफअलू अफअलू नफअलू, यफअलानी तफअलानी तफअलानी तफअलानी, यफअलूना यफअलना, त
تفعلونا تفعلنا تفعلینا. ایک دو مرتبہ آپ اس کو اپنی زبان سے بولیں, ان الفاظ کو چڑھائیں. اب دیکھیں ایک ردم خاص جو ہے یہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جی میں بلکہ آپ کو اشارہ کرتا ہوں, آپ اسی اعتبار سے بولیے گا پلیز. جی بسم اللہ. یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلین. کلیئر ہو گیا جی؟ تو بات جو میں نے آپ سے کی تھی کہ مضارع کی گردان میں بھی عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ تبدیل ہوگی, جس طرح ماضی میں عین کلمہ کی حرکت تبدیل ہوئی تھی. فعلا میں عین کلمہ زبر کے ساتھ تھا, مضارع یفعلوا میں عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے, فاعلا میں عین کلمہ زیر کے ساتھ تھا. تو اب ہم دوسری ڈائی جو ہے وہ پریکٹس کر لیتے ہیں, پھر بعد میں اس میں مادے پھینکیں گے انشاءاللہ تعالی, وہ بات کا کام ہے. اب ہم پریکٹس کریں گے عین کلمہ کی زیر کے ساتھ, صرف وہ حرکت کا فرق ہے, باقی گردان ویسی کی ویسی رہے گی. یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا. کلیئر؟ کوئی مشکل نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اب عین کلمہ کی حرکت رہے گی پیش, تو اس کو بھی پریکٹس کر لیں. یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا. تو یہ تین وزن آپ کے سامنے آ گئے, جس طرح ماضی کے تین وزن آپ جانتے ہیں, فعلا فعلا فعلا. اور یہ تینوں وزن فعل معروف کے وزن تھے, یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جبکہ مجہول کا ایک الگ وزن ہم نے پڑھا تھا, وہ کیا تھا؟ فعلا. یہ مجہول کا وزن تھا, یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. تو اب ہم نے مضارع معروف کے تین وزن پڑھے ہیں, یفعلوا یفعلوا یفعلوا, اور یہ ہمارا باقی ہے انشاءاللہ تعالی. جب ہم کافی مضارع پڑھ لیں گے تو پھر مضارع مجھول کا وزن بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا بنتا ہے. تو تین وزن آپ کے سامنے آ گئے, یفعلوا یفعلوا اور یفعلوا. ان تینوں اذان سے واقفیت حاصل کر لیں. اب کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو تین فہرستیں دی گئی ہیں فعل ماضی کی, ایک فعلا کی ڈائس پر مکمل فہرست تھی, ایک فعلا کی, ایک فعلا کی. تو پہلا جو ہمارا فعلا کی فہرست ہے, ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں, یعنی عین کلمہ کی جو زبر والی حرکت ہے اس کا ہم دیکھیں گے کہ مضارع ان تینوں ڈائز میں سے کس کس ڈائی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ کمبینیشن کون سا بنتا ہے, یہ کمبینیشن, یہ کمبینیشن یا یہ کمبینیشن. یعنی فعلا کا مضارع یفعلوا کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے, یفعلوا کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے, یفعلوا کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے, اور ان تینوں میں سے کون سا کمبینیشن سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, یہ ریزلٹس آپ نے نکال لیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو بسم اللہ کریں, اس میں ہم کچھ مادے ڈسکس کرتے ہیں. تو جو فعلا کی آپ کے سامنے ہیں اس میں پہلا آپ لفظ بولیں. میں آپ کے لیے آسانی یہ کروں گا کہ یہ تین وزن جو ہے یہ آپ کے سامنے اس طرح بلینک کر کے لکھ دیتا ہوں, تاکہ آپ اس میں اس مادے کو پھینکیں اور پریکٹس کر سکیں. ہم اس وقت پریکٹس کر رہے ہیں, ماضی ہمارا فعل ہے عین کلمہ کے سبق کے ساتھ, اور اس کا مضارع ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس وزن پر آ رہا ہے. جی پہلا مادہ ہمارے پاس ہے خلقا, خلقا, خا لام قاف مادہ. اب اس کا مضارع یہ ڈائی نمبر ایک مضارع کی, ڈائی نمبر دو, ڈائی نمبر تین میں اس طرح بولوں گا. خلقا کا جو مضارع آتا ہے وہ ڈائی نمبر تین سے استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے, اس خا لام قاف کو یہاں پر فٹ کر دینا مادے کو, لفظ آپ کے سامنے بن جائے گا یخلوقو.
खलका यखलुकू। अब गर्दान की तरफ हम आते हैं, यखलुकू तखलुकू तखलुकू अखलुकू नखलुकू। पहला सीधा देने की आपको ज़रूरत है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप चल जाएंगे। यखलुकानी तखलुकानी तखलुकानी तखलुकानी, यखलुकूना यखलुकना, तखलुकूना तखलुकना तखलुकीना। पहले अपनी ज़ुबान पे इन अल्फाज को चढ़ा दीजिए, फिर देखेंगे हम मानी आपको माजी में इनके पता चल चुके हैं, सिर्फ तर्जुमे में फ़र्क ये होगा। खलका उसने पैदा किया, यखलुकू वो पैदा करता है या वो पैदा करेगा, क्योंकि फ़िल मुजारे आपके दोनों ज़मानों को, हाल और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। जी नेक्स्ट माता हमारा जीम ऐन लाम जा आला, डाई नंबर एक यज अलू, यज अलू तज अलू तज अलू अज अलू नज अलू, यज अलानी तज अलानी तज अलानी तज अलानी, यज अलूना यज अलना तज अलूना तज अलना तज अलीना। अच्छा, इसमें कोई कैद नहीं है आपके लिए कि आप इसी तरीक़ेकार को जो है वो इख्तियार करें गर्दान याद करने के लिए। अगर आपको गर्दान पहले से याद है फिर मुजारे की, आप उस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि यजलू यजलाने यजलूना तजलू तजलाने यजलना तजलू तजलाने तजलूना तजलीना तजलाने तजलना अजलू नजलू। अब इसमें देखेंगे आपको खुद एक वाज़े फ़र्क महसूस होगा कि कभी आपको अलामत मुजारे चेंज करनी पड़ती है, कभी आपको उस रिदम को जो है वो तोड़ना पड़ता है। तो ये ख़ास रिदम से इंशाल्लाह ताला आपको गर्दान याद हो जाएगी, बाकी उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस तरीके से आप इसको याद करना चाहें। काम आपका सिर्फ ये है कि आपने इस गर्दान को याद करना है, आपको पता होना चाहिए कौन सा सीखा किस जगह पर मौजूद है। जी तीसरा मादा हमारा गैन फारा मादा, फेल मुजारे की डाई नंबर दो यग़फिरू, यग़फिरू तग़फिरू तग़फिरू अग़फिरू नग़फिरू, यग़फिरानी तग़फिरानी तग़फिरानी तग़फिरानी, यग़फिरूना यग़फिरना तग़फिरूना तग़फिरना तग़फिरीना। जी सबरा डाई नंबर दो, मैं देखिए कर क्या रहा हूँ, सिर्फ वही मादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही स्वाद बारा डाई मैंने बना ली है, उसमें मैं सिर्फ वो मादा फिट कर रहा हूँ। यस्बिरू, जी यस्बिरू तस्बिरू तस्बिरू अस्बिरू नस्बिरू, यस्बिरानी तस्बिरानी तस्बिरानी तस्बिरानी, यस्बिरूना यस्बिरना तस्बिरूना तस्बिरना तस्बिरीना। जी नेक्स्ट फतह डाई नंबर एक यफ्तहू, फतह यफ्तहू, ये कॉम्बिनेशन बन गया, यफ्तहू तफ्तहू तफ्तहू अफ्तहू नफ्तहू, यफ्तहानी तफ्तहानी तफ्तहानी तफ्तहानी, यफ्तहूना यफ्तहना तफ्तहूना तफ्तहना तफ्तहीना। जी ऐन बा दाल अबदा डाई नंबर तीन, डाई का कैसे पता चलेगा, माजी तो पता है आपको क्योंकि उसे ही हमने सामने रखा हुआ है, उसका मुजारे इस डाई से आना है, इस डाई से आना है, इस डाई से आना है, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो पहली बात ये कि उसके लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपको मैं बताऊँगा। मुझे कैसे पता चला, मुझे भी मेरे असाज़ा ने बताया, ठीक है, उन्हें कैसे पता चला, उन्हें उनके असाज़ा ने बताया। अच्छा, जहाँ से ये शुरू हुआ उन्हें कैसे पता चला, उन्होंने अरबों से सीखा, अरबों से सीखा से मुराद क्या है, यानी उनके मुहावरे से उन्हें पता चला, डिक्शनरी से पता चला, बोलचाल से पता चला कि अरब माजी इस डाई से इस्तेमाल करता है, मुजारे इस डाई से इस्तेमाल करता है। इंशाल्लाह ताला अगला स्टेप जो होगा ना हमारा, उसमें मैं सिर्फ आपको एक हर्फ बताऊंगा, एक हर्फ, हर्फ लेटर, उससे आप ये कॉम्बिनेशन खुद ही बना लेंगे कि ये कॉम्बिनेशन ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा। अभी सिर्फ आप अपनी पूरी तवज्जो जो है ना उस वजन पर, उस मादे को फेंकने की तरफ रखें, एक दफ़ा ये प्रैक्टिस हो जाए फिर इंशाल्लाह ताला चीज़ें हम सीखते जाएंगे। और बात वही वाली कि चूंकि हमारी मजबूरी है अरबी ज़ुबान सीखना, लिहाजा अरब सबरा को उसने दूसरे से क्यों इस्तेमाल किया है, पहले से क्यों नहीं इस्तेमाल किया या तीसरे से क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ये उसकी मर्ज़ी है, ठीक है, हमने
उसकी मर्जी को सामने रखना है और उसके मुताबिक काम करना है। जी आबदा याबुदू, ठीक है, याबुदू पहला सीखा हो गया, याबुदू ताबुदू ताबुदू आबुदू नाबुदू, याबुदानी ताबुदानी ताबुदानी ताबुदानी, याबुदूना याबुदना, ताबुदूना ताबुदना, ताबुदीना। अब थोड़ा सा जहन में आपने इस चीज़ को भी रखना है कि आबादा के मानी हमने क्या किए थे, इबादत करना के माना में इस्तेमाल होता है ये वर्ब, आबादा उसने इबादत की, याबुदू वो इबादत करता है या वो इबादत करेगा, मैं इबादत करता हूँ, फौरन इस सीखे पे आप आएंगे, यहाँ पर आपको सीखा मिलेगा आबुदू, ठीक है। अब फिर जब इसको हम मनफी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके सामने आ जाएगी कुल या अय्युहल काफिरूना ला आबुदू, मैं इबादत नहीं करता, वो मनफी मुजारे की मनफी किस तरह बनेगी वो एक अलग टॉपिक है, ठीक। फिर उसके बाद तुम इबादत करते हो ताबुदूना, ला आबुदू मा ताबुदूना, ठीक। अब देखिए इंशाल्लाह ताला हम जा रहे हैं उसी तरफ, कुरान मजीद बिल्कुल अल्लाह ताला की तौफीक से यहाँ पर मोस्टली हिस्सा जब आपके सामने आएगा तो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक जी। नेक्स्ट वर्ड जी राफा आइन, डाई नंबर एक, मुझे भी ये पढ़ा पढ़ा के याद होगी, आप भी अगर इनको याद करना चाहते हैं तो यहाँ पर तशरीफ लाएं, यहाँ आएंगे आप तो इंशाल्लाह ताला आपको भी याद हो जाएंगे। तो इसका आसान हल ये है कि कौन सा कम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, उसके लिए हिम्मत करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला आप से कोई काम ले ले कुरान मजीद के लिए और आपको कबूल कर ले, और अगर कबूल कर लिया अल्लाह ताला ने आपको, यकीन करें मैं समझता हूँ कि हमारी आखरत अल्लाह ताला इसी ज़रिए से बना दे, और हमें क्या चाहिए। यरफाउ यरफाउ तरफाउ तरफाउ अरफाउ नरफाउ, यरफानी तरफानी तरफानी तरफानी, यरफाउना यरफाना, तरफाउना तरफाना, तरफा ईना आखिरी तरफा ईना, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हाशीन रा, डाई नंबर तीन जी, क्या बनेगा यह शुरू, हाँ जी कौन पेश करेगा, मैं काफी अल्फाज मैंने बोल दिए हैं जी, बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह याशुरानी, बस एक सीखा देने की जरूरत है बाकी देखिए माशाल्लाह, ताशुरीना एक्सीलेंट जी। नेक्स्ट वर्ड ज़ाद राबा, हाँ जी इसकी बहुत जरूरत हमें पड़ेगी, ज़राबा यज़रिबू जी, कौन करेगा, तो 10-15 प्रैक्टिस हो गए जी, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट तजरीबीना माशाल्लाह जी। खराजा डाई नंबर तीन, यखरुजु यखरुजु जी जी शाबाश, यखरुजानी बस पहला, यखरुजुना यखरुजना तखरुजना तखरु जीना, ठीक है, यखरुजु तखरुजु तखरुजु अखरुजु नखरुजु, यखरुजानी तखरुजानी तखरुजानी तखरुजानी, यखरुजुना यखरुजना तखरुजुना तखरुजना तखरुजीना जी। नून फा आइन नफा, डाई नंबर एक, यनफाउ यनफाउ तनफाउ तनफाउ अनफाउ ननफाउ, यनफानी तनफानी तनफानी तनफानी, यनफाउना यनफाना, तनफाउना तनफाना, तनफा ईना।
नहीं, बाकी इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे। मादे आएंगे, मैं आपको डाई बता दिया करूँगा इंशाल्लाह ताला। एक रिज़ल्ट छोटा सा आप निकाल लें। आपने देखा कि माजी के वो अफ़ाल जो फ़ाला की डाई से इस्तेमाल हुए, उनका मुजारे तीनों डाई से इस्तेमाल हुआ मुजारे की, ठीक है, ये रिज़ल्ट आपने निकाल लिया। माजी अगर आपका फ़ाला है तो उसका मुजारे यफ़अलू यफ़इलू यफ़उलू तीनों डाई से आ सकता है। अब कौन सा मादा किस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल होगा ये आगे की बात है, ये इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं फाला से हटकर फाइला की तरफ। अब आप एक रिजल्ट हम ये निकालेंगे कि जो मादे फाइला की डाई से इस्तेमाल होते हैं माजी में, उनका मुजारे आया तीनों डाई से इस्तेमाल होता है या किसी डाई से इस्तेमाल नहीं भी होता। जी बिस्मिल्लाह करो। फरीहा, अब देखें माजी था फरीहा, उसका मुजारे डाई नंबर एक यफ़राहू। अब चूंकि आपको डाइस पता चल गई है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यफ़राहू तफ़राहू तफ़राहू अफ़राहू नफ़राहू यफ़राहानी तफ़राहानी 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 यफ़राहूना यफ़राहना तफ़राहूना तफ़राहना तफ़राहीना। अभी देखें या ता की ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए कि कहाँ पर आपने या बोलना है, कहाँ पर आपने ता बोलना है। आपको अगर याद हो अलामत मुजारे तो चार जगह पर अलामत मुजारे या इस्तेमाल हुई है, बिल्कुल इस तरीके से आप यानी पहले सीखे से आप शुरू करेंगे आपको पता चलेगा पहले सीखे में सिर्फ या है। यफ़राहू तफ़राहू तफ़राहू ये दोनों सीखे जैसे हैं, फिर अफ़राहू नफ़राहू, फिर मुसन्ना के खाने में आए तो पहले सीखे में यह है यफ़राहानी, बाकी तीन में तफ़राहानी तफ़राहानी तफ़राहानी। फिर जमा के जो सीखे आपके उसमें यफ़राहूना यफ़राहना दोनों या के साथ, तफ़राहूना तफ़राहना ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, और आखिरी सीखा भी आपका अलामत मुजारे ता के साथ ही है तफ़राहीना। जी समया, डाई नंबर एक यस्माऊ यस्माऊ तस्माऊ तस्माऊ अस्माऊ नस्माऊ यस्मानी तस्मानी तस्मानी तस्मान यस्माऊना यस्माना तस्माऊना तस्माना तस्माईना। जी राहामीम राहिमा, डाई नंबर एक यरहमु यरहमु तरहमु तरहमु अरहमु नरहमु यरहमानी तरहमानी 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 यरहमूना यरहमना तरहमूना तरहमना तरहमीना। अभी देखें मैं आपको कोई परेशान नहीं कर रहा मानी के एतबार से, मैं आपसे अभी किसी सीखे के मानी नहीं पूछता कि इसके सीखे क्या मानी बनते हैं, या उर्दू नहीं बोल रहा कि इसके अरबी करके बताएं। सिर्फ मेरा पहला टारगेट यही है कि आप इन अल्फाज को अपनी ज़ुबान पर चढ़ा लें, आपके तीनों डाइस पक्की हो जाएं कि यफ़लू यफ़लू और यफ़लू की डाई पर जब तीनों मतलब मुख्तलिफ मादे इस्तेमाल होते हैं तो अल्फाज क्या बनते हैं उसकी ये प्रैक्टिस होगी, फिर इंशाल्लाह मानी की तरफ भी हम चलेंगे। जी नेक्स्ट रा काफ बा राकिबा यरकबू यरकबू तरकबू तरकबू अरकबू नरकबू यरकबानी तरकबानी 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 यरकबूना यरकबना तरकबूना तरकबना तरकबीना। कुरान मजीद का कोई लफ्ज़ फौरी तौर पे कोई मादा प्रैक्टिस करते हुए आपके जहन में आ जाए तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आपका जहन भी साथ साथ जो है चल रहा है। जी नेक्स्ट हसीबा, ये एक स्पेशल मादा है जहन में रखिएगा हसीबा। अभी तक आपने देखा कि हमने जितने भी फाइला की डाई से मादे डिस्कस किए हैं वो डाई नंबर एक से इस्तेमाल हुए। अब ये पहला मादा आया है जो हसीबा यहसिबू, ओरिजिनल मादा यही है हसीबा यहसिबू कॉम्बिनेशन, ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ये है। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें फिर अगली बात मैं आपको बताऊंगा। यहसिबू तहसिबू तहसिबू अहसिबू नहसिबू यहसिबानी तहसिबानी 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 यहसिबूना यहसिबना तहसिबूना तहसिबना तहसिबीना। ठीक, लेकिन हमारी जो हफ्स की किरात है
वहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को हासिबा याहसबू पहले कॉम्बिनेशन के साथ यानी पहले डाई पे इस्तेमाल किया गया, यानी हासिबा याहसबू, याहसबू तहसबू तहसबू अहसबू नाहसबू, याहसबानी तहसबानी तहसबानी तहसबानी। ठीक, अब देखें, यानी ये जो जहन में आपके सवाल पैदा हुआ, कुरान मजीद से एग्जांपल आप लाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कोई मुझे एग्जांपल दे कुरान मजीद से जिसमें आपको याहसबू की बजाय याहसबू वर्ब इस्तेमाल मिले। आपकी जो सूरत है तीसवें पारे की सूरत, उसका मैं आपको हल्का सा दे देता हूँ हिंट। आपकी वैलुल्ली कुल्ली हुमजा तिलुमजा, उस सूरत में लाएं ज़रा इस अल्फाज को ढूंढें, कहाँ मिलता है आपको? याहसबू, याहसबू वो गुमान करता है, अन्ना मालहू अखलदा, कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। याहसबू यानी जो हमारे यहाँ हफ्स की किरात है, जो हमारे यहाँ राय है उसमें उसको याहसबू पढ़ा गया है, लेकिन अगर आप दूसरी किरात सुने वहाँ इसको याहसबू पढ़ा जाएगा जो इसकी ओरिजिनल है। याहसबू याहसबुल इंसान हुआ युतरा का सुदा, क्या इंसान गुमान करता है कि उसको यूं ही छोड़ दिया जाएगा? ठीक है, सूरतुल क़यामा की आखिरी आयत की तरफ आप आए तो याहसबू जो ओरिजिनल इसकी है, लेकिन हमारे यहाँ हफ्स की किरात में इसको याहसबू ही पढ़ा गया। तो ये एक स्पेशल वर्ब है, इसको मैंने यही आपके सामने बयान कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हो सकता है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें जाकर तो देखें कि ये तो याहसबू हमें बताया गया कुरान मजीद, जब हम पढ़ते हैं वहाँ याहसबू इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या चक्कर है? तो ये सिर्फ किरात का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। हमारे हफ्स की किरात में इसको याहसबू पढ़ा गया इस डाई पर, और दूसरी किरातों में इसमें इसको याहसबू ही पढ़ा गया ओरिजिनल वर्ब। जी नेक्स्ट, काबिला डाई नंबर एक, यकबलू, यकबलू तकबलू तकबलू अकबलू नकबलू, यकबलानी तकबलानी तकबलानी तकबलानी, यकबलूना यकबलना, तकबलूना तकबलना तकबली। जी मारिदा डाई नंबर एक, यमराजू। एक नतीजा आप अभी निकालना आपने शुरू कर लिया होगा कि मोस्टली वर्ड्स जो है वो डाई नंबर एक से आ रहे हैं, जो उससे आया है वो भी हमारे किरात में उसी से है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट जो है ये बहुत काम आएंगे आपके रिजल्ट ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी सी बातें हैं ये आप लाजमी नोट करें। यमराजू, यमराजू तमराजू तमराजू अमराजू नमराजू, यमराजानी तमराजानी तमराजानी तमराजानी, यमराजूना यमरजना तमराजूना तमरजना तमराजीना। जी शाहिदा डाई नंबर एक, यशहदू, शाहिदा उसने गवाही दी, यशहदू वो गवाही देता है या वो गवाही देगा। यशहदू तशहदू तशहदू अशहदू, देखें अशहदू आया ध्यान में, अशहदू मैं गवाही देता हूँ। ठीक है, अशहदू नशहदू, यशहदानी तशहदानी तशहदानी तशहदानी, यशहदूना यशहदना तशहदूना तशहदना तशहदीना। जी ले जी, डाई माजी की ऐन कलिमे वाली तीन भी कवर हो गई, और जो फाउला की डाई है उससे सिर्फ पांच ही वर्ब मैंने आपको माजी में दिए थे, तो उसे भी मैं चाहता हूँ मुकम्मल कर लें ताकि कल जब हम आए तो मज़ीद एक स्टेप हम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। अब हम जो मादे प्रैक्टिस करने लगे हैं वो हैं हमारे आयन कलिमा की पेश के साथ माजी। रिजल्ट निकाल चुके हैं आप कि जो फाइला की डाई से इस्तेमाल हुए थे वो दो डाई से इस्तेमाल हुए हैं, तीसरी डाई इस्तेमाल नहीं हुई। ये इंशाल्लाह कल मैं दोबारा आपके सामने रिजल्ट रखूँगा, और इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो यफुल फाउला की डाई से इस्तेमाल होंगे माजी वो सिर्फ इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल होंगे, ये दो कॉम्बिनेशन उसमें नहीं होंगे। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये आप ख़ुद बताएंगे कि जी किस डाई से इस्तेमाल हुआ है। जी पहला बार बोले करूबा, यकरूबू, यकरूबू तकरूबू तकरूबू अकरूबू नकरूबू,
यकरुबानी तकरुबानी 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 यकरुबूना यकरुबना तकरुबूना तकरुबना तकरुबीना। जी नेक्स्ट बाउदा। जी बाउदा किस डाई से इस्तेमाल होगा मुजारे में? डाई नंबर 3 से यबुदू। ये कायदा बन चुका है कि ऐन कलिमा माजी में पेश वाला है तो मुजारे में भी ऐन कलिमा पेश वाला होगा। यबुदू तबुदू तबुदू अबुदू नबुदू यबुदानी तबुदानी 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 यबुदूना यबुदना तबुदूना तबुदना तबुदीना। जी करुमा यक्रुमु यक्रुमु तक्रुमु तक्रुमु अक्रुमु नक्रुमु यक्रुमानि तक्रुमानि 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 यक्रुमुना यक्रुमना तक्रुमुना तक्रुमना तक्रुमीना। ये काफ़ी है, 3 बातें मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है, क्योंकि ये एक ही कॉम्बिनेशन था इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। जो रिजल्ट निकाला है वो एक दफ़ा उसको ताज़ा कर लें जहन में। माजी में आपका ऐन कलिमा अगर ज़बर वाला है तो उसका मुजारे आपने देखा यफ अलू के वजन पे भी आया है, यफ इलू के वजन पे भी आया है और यफ उलू के वजन पे भी आया है। तीनों कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होते हैं माजी में ऐन कलिमा के ज़बर के साथ। अगर माजी में ऐन कलिमा ज़ेर वाली है तो 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, यफ अलू और यफ इलू, और मोस्टली ये पहला कॉम्बिनेशन फाइला यफ अलू, और जो तीसरा माजी का वजन था फाउला उसका एक ही कॉम्बिनेशन है यफ उलू। ठीक है, तो बस आप काम आपने सिर्फ ये करना है कि ये जो 3 फहरिस्तें दी हैं जिसमें से कुछ मादे मैंने छुड़वा दी हैं आपको, थोड़ा सा टाइम निकाल के सिर्फ। वैसे ही गाड़ी में बैठे हैं आप, ठीक है, तो वैसे तो दुरुशी वगैरह पढ़ना चाहिए असूलन, अब गर्दानों के लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो निकाल लें, यानी बैठे बैठे कोई मादा या फलू की डाय पर कोई डाल लें, कोई मादा डाल लें, गलत ही हो क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल अरबी है। ठीक है, इससे कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मोहब्बत अरबी ज़ुबान से अगर आपको हो जाए। मुझे अपने एक याद आ जाते हैं, हमारे ऑफिस में हमारे पीएन थे, वो मैं जब कभी जैसे फारिग होना जब भूत सवार था अरबी ज़ुबान का, तो ऑफिस में बैठे बैठे जब कभी टाइम मिलना थोड़ा सा रिलैक्स होना तो जहन में यही होना कि चलें कोई गर्दान या कोई इस किस्म की चीज़ कर लें, तो मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था। वो इसी तरह कोई गर्दान लिखते लिखते मेरा कोई सफ़ा एक मरतबा नीचे गिर गया, तो वो पीएन मेरे पास आया और उसने उस सफ़े को उठाया, उसको चूमा 3-4 दफ़ा और मुझे कहता सर जी ये मतलब आपने नीचे फेंका हुआ है। तो मुझे वाकई उस पर एक मतलब प्यार सा आया कि हालांकि उसमें ना तो कोई कुरानिक वर्ड था, सिंपल अरबी के कुछ अल्फाज थे जो मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो लेकिन एक वो जो अदब और एहतराम है अरबी ज़ुबान का, तो मेरे ज़हन में फौरन तो ख्याल आया, मैंने कहा शायद अल्लाह ताला को इसकी यही बात पसंद आ जाए। तो मोहब्बत करें इससे, मोहब्बत करेंगे इस ज़ुबान से ये समझते हुए कि ये अल्लाह के कलाम की ज़ुबान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान है और अहले जन्नत की ज़ुबान है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपके लिए ज़ुबान के लिए राहें खोलेगा। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु इलैक।